है दांत का उल्टा चश्मा। अगर तुम्हारी टीम हार भी जाती ना तो भी मैं बिल्ली मास्टर को यही कहता कि बच्चों को कंपाउंड में खेलने से मना करना गलत बात है। क्यों? मुझे एक बात बता, क्या तूने कभी शरारत नहीं की है? किसी की खिड़की का कांच नहीं फोड़ा है? अरे खेलकूद में ये सब होते रहता है, और आज तो इनकी वजह से हमें भी खेलने मिला। सही बात है। नहीं, ये बात सही है। ठीक है, आप लोग कंपाउंड में खेल सकते हो। थैंक यू। ओए यारो, आज इन बच्चों की वजह से हमारा संडे फंडे हो गया। हाँ ये तो है, ऐसे हमारा जमाना याद आ गया। इसी बात पे टप्पू से नचा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। शाबाश मेरे चिराए, एक कंपनी हो गया। ओए की रोशन डार्लिंग, ओ दूध बोला इधर डोड़े हो, ओ छेती आओ। सुचे बोल। एक ही नाश्ता, आज नाश्ते की छुट्टी? हाँ, क्योंकि तू मेरे लिए कभी छुट्टी नहीं लेता ना, तो आज मैंने नाश्ते को ही छुट्टी दे दी। एक ही और रोशन डार्लिंग, सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग की जगह पे इतनी एंग्री मॉर्निंग, ये गल की है? मुंह सुकम कहूं तुझ विचार। विचार जी, ना ही हम में से किसी का बर्थडे है और ना ही हमारी एनिवर्सरी है, तो फिर मैं भूल क्या रहा हूँ? सोच सोच सोडी, जोर लगा के सोच। ओ नहीं, मैं कुछ नहीं भूल रहा। अरे रोशन डार्लिंग, भाई जहाँ तक मेरी याददाश्त तेज है, मैं कोई इम्पोर्टेंट डेट तो नहीं भूल रहा। फिर भी तेरे इस उखड़े उखड़े मिजाज का कारण क्या है? मुझे मॉल बुला रहा है, सिनेमा हॉल बुला रहा है। आजा आजा रोशन, पानू पिक्चर देखने आजा। ये कह रही है तू? और क्या, कितना टाइम हो गया, ना ही हम फिल्म देखने गए हैं, ना ही शॉपिंग के लिए गए, और ना ही कहीं बार डिनर पे गए हैं। बस अक्खो वक्त घर माने घर मच, बस इतनी सी बात। आज चले? आज नहीं, आज गैराज में बहुत काम है। अरे रोशन डार्लिंग, मेरी गल सुन, वो बरसातों की वजह से ना गैराज में बहुत सारी गाड़ियां रिपेयरिंग के लिए आ रही हैं। वो कस्टमरों की लाइन लगी है गैराज में, पर तेनू तो पता है वो कस्टमर खुश, दासी भी खुश। कस्टमर की खुशी तुम्हारे लिए सब कुछ है, हा? और बीवी की खुशी कुछ भी नहीं है ना? नहीं है ना, है ना, ऐसी कैसी नहीं है। अरे देख, एक बारी काम खत्म हो जाए ना तो मैं छुट्टी लेकर ना मॉल मूवी शॉपिंग वो सब कुछ तुझे कराऊंगा, जो तेरी इच्छा है, प्रॉमिस। प्लीज हाँ, हमेशा जब भी तेरी छुट्टी होती है ना तो हमेशा मुझे बोलता है, रोशन डार्लिंग एक ही तो छुट्टी मिली है, मैं थक गया हूँ, मुझे सोने देना प्लीज, अने पछी ढोलिया पर जाने पड़ी जाए। रोशन रोशन डार्लिंग सुन, इधर देखता सही, वो तेरी नाराजगी दूर करने का मेरे पास एक टॉप क्लास आइडिया है। क्या? मैं काम पे जाना ही छोड़ देता हूँ। हाँ? मैं काम करता हूँ वो गैराज ही बेच देता हूँ। क्या? गैराज नहीं रहेगा तो काम नहीं रहेगा, मैं परमानेंटली तेरे साथ ही रहूंगा, फिर जो तेरी इच्छा होगी ना वो हम पूरी करेंगे, वो खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। नहीं नहीं बाबा, तू मत वो डर से डर बोले, ऐसे कैसे काम पे नहीं जाएगा, ये तो काम पे नहीं जाएगा तो घर कैसे चलेगा, काम पे तो जाना ही है ना तुझे। नास्तो टेडी छे, मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी, आओगे अपने टेबल पर वैसे आओगे। वाह वाह वाह, परांठों की क्या खुशबू आ रही है। आया थी गरम गरम। स्वाद आ गया तेरे नाश्ते का, चंगा सुनिए मैं चलता हूँ। okay, की इतना रुखा सुखा गुड बाय। एक मिट्टी वाली किशमिश तो बनती है। किशमिश नो डब्बो किचन माचे हमना लेने आओ। वो एक किचन वाली किशमिश नहीं, वो है तनु मिस ना करूं वैसी वाली किस छोड़ी ऑल। ओए
ओए पिड़ू की कथा है, आजा। ओए घर की बात है, आजा। मैं कमीन सोड़ी। ओए चलिया, ये तू पहले नहीं कर सकता था। सॉरी सॉरी, तुम भी तो दरवाजा बंद कर सकते थे ना सोड़ी। ओए पिड़ू, वो घर मेरा, वो बाइको मेरी, ओ मैं अपनी रोशन डार्लिंग से प्यार करता हूँ, वो खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, हैं? और एक गल दस, तू सवेरे सवेरे इतने कितने? ये बताने के लिए कि तुम्हें भी अभी जेठाल जैसी आदत पड़ गई है। हाँ, मेंटेनेंस का चेक लेट देने की। ओए पिड़ू, वो इतिहास गवाह है, और रोशन सिंह सोडी ने आज तक कभी मेंटेनेंस का चेक लेट नहीं दिया है। लेकिन इस महीने ऐसा हुआ है, इस महीने का चेक अभी तक दिया नहीं है इसने। आयसू रोशन, अरे अच्छू आजो। अरे यार मेंटेनेंस का चेक, वो चेक देने की लास्ट डेट। तो मैं गैराज जाते जाते तेरे घर पे देकर ही जाने वाला था। हाँ बराबर बराबर, थैंक यू, चलो चलता हूँ। अरे रुक, मैं भी चलता हूँ। चल रोशन। आप भी आ रही है? ओ चलिया, ओ ये तो गुड बाय वाला चल था। गुड बाय वाला काय काय करत है? तन्नो लो जे। हां आवसे आवसे। ओए ओ तो 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 तो। अरे गुड मॉर्निंग सोडी, गुड मॉर्निंग वीडियो मास्टर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग आतिफरा। ओ तुसी लोग बात करो, मैं निकलता हूं। क्या बात है सोडी, आज बड़ी जल्दी है तुझे जाने की। अरे आतिफरा की दसा, भाई बरसातों की वजह से ना काम का लोड बढ़ गया है। सवेरे जल्दी निकलना पड़ता है और रात को आने में भी देरी हो जाती है। अरे सोड़ी लोड बढ़ रहा है मतलब धंधा अच्छा हो रहा है, तो अच्छी बात है। नहीं, धंधा अच्छा हो रहा है ये तो अच्छी बात है, पर उसके नुकसान भी तो है। नुकसान? कैसा नुकसान? अरे नुकसान ये कि परिवार को टाइम नहीं दे पाते। अभी रोशन नाराज हो रही थी, कंप्लेन कर रही थी कि मैं उसको कहीं घुमाने फिराने नहीं ले जाता। नौकरी करने वालों को ये प्रॉब्लम नहीं होता, उनको टाइम की शांति होती है, बोला आने जाने का टाइम फिक्स होता है। हाँ, ऊपर से रविवार की छुट्टी फिक्स, ये सुख तो है। और हम डॉक्टरों को आधी रात को इमरजेंसी का कॉल आता है और जाना पड़ता है। वो 16 ने सही गल कही है हाथीपुरा तुसी ने, भाई ये तो जिंदगी में सुख दुख की तरह होते हैं, होते सबकी जिंदगी में, बस नजरिए का फर्क होता है। तो कुछ लोग सुख में भी छोटे से छोटे दुख से परेशान हो जाते हैं, और कुछ लोग वड्डे से वड्डे दुख में भी ना छोटे से सुख से भी खुश हो जाते हैं, मेरी तरह। सही बात है। ओ सोड़ी क्या बात कही है, वाह। तो इस बात पे मेरा अगले महीने का मेंटेनेंस माफ माफ। ओए पिड़ू, मैं तो मजाक कर रही थी। तो मैं भी तो मजाक कर रही थी, माहौल बना रहे ऐसी है। चलो आतिफरा, मैं तो चढ़ देना। हाँ, मुझे बाहर तक छोड़ दो। चलो बेटो चलो। अरे मैं क्या बोलता हूँ, सुनो सुनो, आप दोनों भी चलो ना जरा मेरे साथ जेठा के घर पे। क्यों, वहाँ जलेबी फाफड़ा का प्रोग्राम है? अरे नहीं आती भाई, मेंटेनेंस का चेक मांगने जाना है। और उसमें हमारा क्या काम है? तीनों मिलके जाते और ढाबा बोलते है। अरे मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया अभी तक जेठालाल ने, ये हर महीने का हो गया है। सबका चेक आ जाता है, ये गड़ा सबका चेक लेट आता है, और हमेशा कोई ना कोई बहाना देता रहता है, हमेशा लेट हो जाता है। ओ अच्छा, ये बात है। हाँ चलिए चाचा जी के सामने जेठाल की फरियाद करते हैं। चलो। ओ पिड़ू पिड़ू, आज मेनू बहुत देरी हो रही है, आज के लिए सॉरी, पर अगले महीने पक्का। हाँ नेक्स्ट मंथ, वो क्या है ना मुझे भी पेशेंट को चेक करने जाना है। ठीक है चलो। हाँ पक्का। चलो आती हूँ। कहाँ जा रहे? जेठा के घर पे। 5 किलो नींबू जेठा भाई के घर मिलने वाले हैं। हाँ बस मैं चेक लेके निकल ही रहा हूँ नींबू लेने के लिए। सोसाइटी के काम याद आते ही ना आप घर के काम भूल जाते हो। मैंने आपको कब का बोला है 5 किलो नींबू लेकर आना है, हरीश भाई पहुँच रहे होंगे नाके पे। अब सखरम की चाबी लेकर गए ना नींबू लेने जाने के लिए, तो अभी जेठा भाई के घर क्यों जा रहे हैं मेंटेनेंस का चेक लेने के लिए? हाँ मतलब फटाफट चेक ले लूंगा फिर जाता हूँ ना मैं। नहीं नहीं, पहले आप नींबू लेकर आइए। 5 मिनट तो लगेंगे, इधर नाके पे तो जाना है। अरे 2 मिनट लगेंगे चेक लेने के लिए माधवी। नहीं अगर हरीश भाई आके चले गए ना तो नींबू लेने मार्केट जाना पड़ेगा। तुम ही राउ दे, मैं ही जाती हूँ सखरम पे। नहीं 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 राउ दे, जाता हूँ मैं। आए
हम यहाँ आए इतने से। टाटा करायचं राहिला हो चले बापूजी मां दुकान जाण बापूजी अभी तो यहां बैठे थे कहां चले गए कमरे में चले गए बैठे अरे बापूजी आप कहां से आए किचन से हाँ तभी मैं सोचू अभी तो यहाँ बैठे थे अचानक कहाँ चले गए नहीं मैं वो पानी पीने गया था अच्छा 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 बाबू जी मैं दुकान जा रहा हूँ जय जिनेन्द्र हाँ जय जिनेन्द्र अरे वाह सुबह सुबह बबीता जी के दर्शन हुए मस्त सुकन हुआ अरे लेकिन साथ में अय्यर भाई भी है सुकन फिट्टूस हो गया गुड मॉर्निंग बबीता जी गुड मॉर्निंग जेठा जी गुड मॉर्निंग अय्यर भाई गुड मॉर्निंग जय डलल और सुबह सुबह गाड़ी में कहाँ जाके आए वो हम मंदिर गए थे ये लीजिए ना प्रसाद लीजिए अरे अरे वाह इतना ज्यादा अरे बहुत बहुत थैंक यू अय्यर भाई आपकी ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है क्या अरे साइंटिस्ट होने के बावजूद आप भगवान में मानते हैं मंदिर जाते हैं जडलाल कितने बोला कि साइंटिस्ट लोग भगवान में नहीं मानते हैं आम तौर पे साइंटिस्ट लोगों को क्या प्रूफ चाहिए होता है ना हर बात में और भगवान का तो क्या श्रद्धा का विषय है जडलाल तुम्हारा बात बराबर है लेकिन मैं साइंस में भी मानता हूँ और भगवान में भी मानता हूँ मैंने बोला ना यही 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 आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है वैसे जेठा जी अभी वापस आते आते हम लोग आप ही के बारे में बात कर रहे थे अच्छा क्या यही कि हम सोसाइटी जैसे ही पहुँचेंगे तो तुम हमको वहाँ पे मिलना नहीं चाहिए क्या ऐसा कुछ नहीं है जेठा जी अय्यर मजाक कर रहा है इनफैक्ट आते आते अय्यर अभी आपकी ही तारीफ कर रहा था अय्यर भाई मेरी तारीफ कर रहे थे अभी आप मजाक कर रहे हैं ना बिल्कुल नहीं जिधा जी मैं एकदम सीरियसली बोल रही हूँ आज के दिन की तो क्या शुरुआत हुई है सुबह सुबह आपके और अय्यर भाई के दर्शन हुए फिर ये पता चला अय्यर भाई मेरी तारीफ कर रहे हैं वाह 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 वैसे क्या तारीफ कर रहे थे अय्यर भाई जडलाल मैं तुमको दिल से थैंक यू बोल रहा था थैंक यू क्यों क्या है जेठा जी पहले हम जब मंदिर जाते थे तो हमें बाहर जाके रिक्शा ढूंढनी पड़ती थी कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी वापस आते वक्त भी सेम प्रॉब्लम पर जब से हमारी गाड़ी आई ना तब से हमारा आना जाना हर जगह पे बहुत इजी हो गया है और ये गाड़ी हमको तुम्हारा वजह से मिला है इसीलिए दिल से तुमको थैंक यू बोल रहा था नहीं नहीं मेरी वजह से कहा ये कार तो आपको लकी ड्रॉ में मिली है पर जेठा जी ये लकी ड्रॉ होने वाला ये आप ही ने हमें इन्फॉर्म किया था ना आप ही ने हमें बुलाया था गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में शॉपिंग के लिए इसलिए दिल से थैंक यू सो मच अगेन अरे बबीता जी इसमें थैंक यू क्या अरे गाड़ी की वजह से आप और अय्यर भाई दोनों इतने खुश है ओ देख के मुझे भी अंतर से सच में बहुत खुशी हो रही है That's very sweet of you, जेठा जी जडलाल अभी किधर दुकान जा रहा है हाँ अपना तो रोज वही सुबह होते ही दुकान सॉरी जडलाल आज मेरा वर्क फ्रॉम होम है नहीं तो मैं गाड़ी तो तुमको दुकान छोड़ देता अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं है यार भाई चलो ओके ओके बाय ओके बाय बाय अभी तो अभी घर पर तुम्हारे हाथ का स्पेशल कॉफी मेरे को पिलाओ फिर मैं काम शुरू करता हूँ चलो चलो तुम्हारी कॉफी रेडी है थैंक यू अरे वाह वाह बबीता तुमने बेस्ट कॉफी बनाया अगर कॉफी बनाने का कॉम्पिटिशन हुआ ना तो तुमको फर्स्ट प्राइज मिलेगा थैंक यू सो मच
वैसे अय्यर, हम लोग कितने लकी है ना, हमें जेठा जी जैसे बड़ों से मिले। हाँ, जेठालाल अच्छा पड़ोसी है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ कर देता है। हाँ, पर वो जानबूझ के थोड़ी करते, बस किस्मत से उनका हो जाता है ऐसा। बबी तो जो भी हो, हमको जेठालाल का वजह से कार मिला, उसको जितना थैंक यू बोलो उतना कम। सैल्यूट। बबी तो कार के लिए हमने जेठालाल को कोई पार्टी नहीं दिया, जेठालाल को पार्टी तो देना चाहिए। या दैट्स अ गुड आइडिया। इनफैक्ट हम सिर्फ जेठा जी को नहीं, चाचा जी और टप्पू को भी देंगे। पर हम उन्हें कहाँ पार्टी दें? मैं काम करता हूँ बबीता, आज हम को सोडा शॉप पर जेठालाल से बात करता हूँ, फिर कल हम लोग किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाएंगे। दैट्स अ लवली आइडिया। अरे अब्दुल भाई, हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल, कॉफी पियोगे? नो नो, थैंक यू थैंक यू। आपने जो कॉफी मंगाया था ना, थैंक यू सो मच, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ। नो 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 प्रॉब्लम, बाय 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 बाय। अब्दुल, दो मिनट से काम पर ध्यान रखो, मैं फटाफट जेठा के घर पे जाके मेंटेनेंस का चेक लेके आता हूँ। लेकिन जेठा भाई घर पे है ही नहीं। कहाँ गया? बाहर गए तो दुकान पे गए होंगे ना। अरे निमका आज लौकर गेला, हमेशा लेट जाता है, आज जल्दी चला गया। कोई बात नहीं, अभी घर जाके उसको फोन करता हूँ, मैं छोड़ने वाला नहीं उसे। सॉरी यार, सॉरी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सेठ जी। एकदम बोल। चल रहे। हाँ बोल सेठ जी, गुड न्यूज है। क्या? बिना शादी के? अरे नहीं नहीं, गुड न्यूज मतलब वैसी वाली गुड न्यूज नहीं। अरे भाई तो ये गुड न्यूज शब्द बोलना भी बंद कर भाई। शादी का? शादी के बाद तो बोल सकता है ना। हाँ शादी के बाद तो, हाँ जितना मर्जी बोल सकता है भाई। तो नटू काका, अभी जो ये अच्छी वाली बात बतानी है उसको क्या बोलूं? बिना कोई विशेषण आगे लगा है, सीधा बता दे। सीट जी, आज सुबह सुबह हमने हैवल्स के दो टीवी और लॉयड का एक वॉशिंग मशीन बेच दिया है। ओ हो हो, वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश। सेठ जी, जब से हमें हैवल्स एंड लॉयड की डीलरशिप मिली है तब से हमारा धंधा अच्छा चल रहा है ना। अरे नट्टू काका, इसीलिए तो मैं इनकी डीलरशिप पाने के लिए सालों से मेहनत कर रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आखिरकार हमें डीलरशिप मिल ही गई। सीट जी, अग्रवाल जी आ रहे हैं। आइए आइए अग्रवाल जी, क्या बात है। नमस्ते नमस्ते अग्रवाल जी। वेलकम। शुभ शुभ। इस तरह? अरे वो मैं इधर से निकल रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। अरे वाह, आइए आइए बैठिए, क्या मंगाऊं? नहीं नहीं, मुझे अभी निकलना ही है। उनका कट केला मजा। ए चाय पीजे ना, मस्त बढ़िया। अरे नहीं नहीं, चाय नहीं पीनी है, अभी मैंने चाय कम कर दी है। ले क्यों? अरे भीड़े, करता हूँ मैं तुझे फोन। है जेठालाल, मेरी बात सुनो दो मिनट, मैं जरा बिजी हूँ, पांच मिनट करता हूँ ना तुझे फोन। हेलो हेलो, अरे सुनो तो। ठीक है जेठालाल, अगर पांच मिनट में तुमने मुझे फोन नहीं किया ना तो शाम को तुम्हारे घर पे आके चाचा जी के सामने तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, वही तुम्हें सीधा करेंगे। जिस तरह से वर्किंग डे पे खाली बस या ट्रेन का मिलना नामुमकिन है, ठीक वैसे ही जेठालाल से टाइम पर मेंटेनेंस का चेक निकलवाना नामुमकिन है। लेकिन मेरा परम मित्र जानबूझ के ऐसा नहीं करता। अरे रोज इतने सारे कामों में बिजी होता है तो ये छोटा काम भूल जाता है। दोस्तों हम मिडिल क्लास लोग हैं, रोज की भागा दौड़ी में कई सारे काम ये सोचकर छोड़ देते हैं कि हम अगले दिन कर लेंगे, जैसे कि लाइट का बिल भरना, पासबुक अपडेट करवाना,
वाइफ के मैके में फोन करके पूछताछ करना और आखिरकार ये सारे काम हमारे सर पे आके खड़े हो जाते। अब जेठालाल की टाल मटोल की वजह से भिड़े परेशान है, पर भिड़े शिक्षक है, वो डिसिप्लिन में बिलीव करता है। अब भिड़े ने ये तय किया है कि अगर जेठालाल ने फोन नहीं किया तो वो शाम को चाचा जी के सामने जाकर जेठालाल से चेक मांगेगा। और आप तो जानते हैं कि जेठालाल सबसे ज्यादा किससे डरता है, चाचा जी से। तो क्या लगता है, क्या जेठालाल भिड़े को टाइम पे चेक दे देगा या फिर भिड़े जेठालाल को मजा चखाएगा? जो भी होगा हंसी और ठहाकों से भरपूर होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बोलिए बोलिए मोफिजा जी, हमें इनविटेशन देना था। इनविटेशन कि किस चीज के लिए? पार्टी का। पार्टी? वाचरी गाड़ी मिलने की पार्टी हमने अभी तक आपको दी नहीं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम रात को कल पार्टी के लिए चले। कल? जी। भगवान, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हैदराबाद जाना कैंसिल भी नहीं कर सकता और बबीता जी को भी मना नहीं कर सकता।